20,000 का इन्वर्टर है। अब ग्री का सबसे जो हाई ऑफ मॉडल है वो पेरी सीरियल है। जी वालेकुम सलाम। आफ्ताब भाई हमें ये बताएं कि T1 और T3 कंप्रेसर में क्या फर्क है, क्या T3 कंप्रेसर T1 से बेहतर है, कौन कौन सी कंपनियां T3 कंप्रेसर दे रही हैं? बिलाल भाई ऐसे इस टाइम पाकिस्तान में बहुत सारा कंपटीशन है, कुछ कंपनियाँ दे रही हैं इसमें T3 T1 ये आ रहे हैं इसमें। अब मिसाल के तौर पे जैसे ये पड़ा हुआ है आपका TCL का, ये एक TCL का मॉडल है और इसके अंदर इन्होंने ये T3 एक मॉडल दिया हुआ है। अगर आप और करें तो ये इसके ऊपर टॉप पे दिया हुआ है ये T3। बेसिकली पाकिस्तान में T3 और T1 की ज़रूरत नहीं होती, उसकी रीज़न ये है कि ये इस मकसद के लिए बनाया है जहाँ पे 65 से 60 डिग्री आपके हो, ये उसके लिए कंप्रेसर होता है जो T3 और T1 बोलते हैं। बट हमारे पाकिस्तान में इतनी वो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा गर्मी जैसे सिबी हो गया, ऐसे इलाके जहाँ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता है वहाँ पे ज़रूरत होती है। लेकिन कंपटीशन है, क्लाइंट्स हमारे आते हैं T3 क्योंकि नेट पे आज का सिस्टम चल रहा है T3 का। अब T3 कैनवुड है जिसको कोई नहीं पूछता था, आज उसका T3 का एक मॉडल चल रहा है 1845 1843, ये 2-3 मॉडल चल रहे हैं जो T3 वो करते हैं। और लास्ट टाइम ये पिछले साल तकरीबन समझें कि कोई 90 से भी कम का था और जो अभी चल रहा है वो 150 के रेंज में चल रहा है। 150 के रेंज में है कैनवुड का, अवेलेबल नहीं है, कुछ दुकानदार है जिनके पास अवेलेबल है। कौन सा मॉडल? 1845 1845। हाँ जी ये E-smart. हाँ जी ई स्मार्ट। अब वो वाईफाई के साथ है और 75% है। अब इसी में ही इन्होंने ये जर्नल ने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है, इसके ऊपर आप गौर करें तो ये 75% है। हाँ। और ये लो वोल्टेज कंट्रोल करता है कि जी आपकी अगर मिनिमम वोल्टेज हो जो 125 और उस पर भी काम करता है। अब इस पर देखें तो आपने यहाँ देखा होगा ये 15 सेंटीग्रेड से लेके 52 तक ये कंट्रोल करता है। हाँ। 75% है। हाँ। हमारे यहाँ पे 50 से अबव नहीं होता। नहीं। बहुत ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो हवाएं 55 की रेंज में चलती हैं। हाँ। लेकिन इतना टेम्परेचर नहीं होता। वो हमारे यहाँ वही बात है कि भेड़ चाल चल रही है, वो जो देखता है वो TG3 मशहूर हो गया हुआ। बट जब बंदा प्राइस सुनता है फिर वो बैक होता है, फिर वो कहता है यार जो अच्छा वाला है वो कौन सा है। प्रॉब्लम ये कि हर बंदा चाहता है यार मुझे अच्छा भी मिले और सस्ता भी मिले। अब हमारा ग्री हो गया, TCL हो गया, कैनवुड हो गया, ये T3 बना रहे हैं। अब ग्री का सबसे जो हाई ऑफ मॉडल है वो पेरी सीरियल है, वो भी इस टाइम 140-150 के रेंज में जा रहा है। FIT पेरी सीरियल, हाँ जी पेरी सीरियल है। अब वो भी इस टाइम 140 प्लस चल रहा हो गया हुआ। फिर आपका T3 T1 वाले जितने भी हैं ये 1 से ऊपर गए, नीचे कोई इसका यूनिट नहीं है। अच्छा अच्छा सही। तो मतलब कि अभी इसमें कौन सा कंप्रेसर लगा हुआ है? ये भी आपका जो T1 में है, ये जनरल का है, इसमें एक ये मॉडल है 1.5 टन में और एक इसका एक और मॉडल है वो लाइक जैसे ये मर्करी में है, ये मिरर में आ जाता है इसका। हाँ। बहुत आउट क्लास है ये, इस टाइम टॉप ऑफ द लिस्ट है ये। आप अगर आप कंपेयर करें वो जो आपके फॉर एग्जांपल एक मिसाल दे रहा हूँ कैनवुड को TCL को, बट इज़ अ ब्रांड विद वारंटी। ये आज से 10 साल पहले लोग विंडो लगाया करते थे जनरल के, तो अभी ये इस साल 2 साल हो गए आना शुरू हो गया, वरना हर बंदे के नॉलेज में नहीं है। हमारे यहाँ वो सिस्टम ये है कि हम भेड़ चाल में चलते हैं कि जी कैनवुड है, पब्लिसिटी उसकी हो रही, नेट पर चल रहा है, ये नेट पर नहीं आ रहा, हम क्यों लें। बट जो मच्योर क्लाइंट है वो देखता है, वो कहता है नहीं यार जर्नल का एक नाम है, क्वालिटीज है। किसी जमाने में विंडो आपके एसी होते थे जर्नल के और जिनके पास लगे वो आज भी हैप्पी हैं। इसमें एट जनरल क्यों लिखा होता है, खाली जनरल क्यों नहीं लिखा होता? बेसिकली ये कस्टम का एक सिस्टम होता है टैक्स बचाने के लिए, क्योंकि अगर ये जनरल का हो तो इस टाइम ये अगर मिनिमम प्राइस में है 110 का है, 1.5 टन का, अगर ये प्रॉपर जनरल दे दें तो ये तो 150 से भी अबव है ना। अच्छा, तो मतलब बाहर से आया है? हाँ, बाहर से इम्पोर्ट हुआ है। दिस इज द सेम एज मित्सुबिशी? एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल उसी तरह। मेरे ख्याल में ये चीज लोगों को पता नहीं है, नहीं पता होगा, लोग इसको बड़ा अंडरएस्टिमेट करते हैं। हाँ, प्रॉब्लम ये है। अच्छा अच्छा, तो ये मतलब ये कम खर्च वाला निशी है। अच्छा, मुझे लग रहा है सबसे बेस्ट ये बहुत आउट क्लास है जी। इसका इंडोर भी देखें कितना बड़ा है इसका। हाँ, ये तो है। और प्रॉपर डीसी इन्वर्टर, अब डीसी इन्वर्टर और इन्वर्टर में भी एक है कि इसमें 5 मोटर होती हैं, 3 मोटर जो है इसके अंदर होती है इंडोर में। हाँ। और 2 मोटर आउटडोर में होती हैं। हाँ। तो ये जो डीसी इन्वर्टर मेंशन करते हैं इसके अंदर प्रॉपर एडवाइज होती है कि ये प्रॉपर डीसी इन्वर्टर है, बिजली एफिशिएंटी देते हैं। हाँ। जबकि जिस तरह आप ग्री हो गया, कैनवुड हो गया, उस पर इन्वर्टर है, डीसी नहीं मेंशन है। हाँ। लेकिन लोग बस वही बात है कि जो देखता है वो बिकता है। हाँ।
तो इसको डीसी समझ, तो ये क्यों डॉलेंस वाले अपने ऊपर डीसी नहीं लिखते, क्या वो डीसी नहीं है? प्रॉपर डीसी नहीं है ना बॉस, यही प्रॉब्लम है। उसमें कुछ मोटर 220 पे चल रही होती है और कुछ मोटर ऐसी हैं जो डीसी पे चल रही होती है। अच्छा, मतलब डीसी पे चलनी चाहिए सारी, डेफिनेटली तभी एफिशिएंसी होगी ना। जो आप क्लाइंट्स मांगते हैं कि यार मेरा बिल कम आए, तो जो प्रॉपर डीसी इन्वर्टर होगा तो बिल कम आएगा ना। तो फॉर एग्जांपल इसकी कौन सी मोटर्स डीसी पे होती है, कौन सी नहीं होती? इसके अंदर तीन मोटरें इंडोर में होती हैं, और ये एक ब्लोअर के लिए होती है जो अंदर ब्लोअर लगा होता है, एक फिन्स के साथ चल रहा होता है जी, हाँ जी, और तीसरी इसके अंदर ये जो फिन्स होती है इसमें दो मोटर चल रही होती है, एक इस तरह चला रही होती है और एक ऐसे चला रही होती है उसको। तो एक ब्लोअर के लिए दो फिन्स के लिए जी, दो फिन, और बाहर जो आउटडोर को एक फैन को चला रहा होता है और एक उसका रोटेटर जो काम कर रहा होता है आउटडोर के अंदर, उसमें दो बड़ी मोटरें चल रही होती हैं। अच्छा, और वो वाला पावर तो वहीं से लेती है ना। अब जो अपने ऊपर डीसी लिखते हैं उनकी ये खासियत है उनकी सारी मोटर्स डीसी, एग्जैक्टली वो एफिशिएंसी में ज्यादा बेहतर रहती है। अच्छा अच्छा, वरना जो नहीं लिखते उनकी सारी डीसी नहीं होती, कुछ होती है, कुछ होती है, मतलब कुछ मोटरें उसमें, मतलब दो या तीन मोटरें उसमें लगी होती हैं, डीसी चल रही होती हैं, बकाया उसमें 220 पे चल रही होती हैं। ये लो वोल्टेज स्टार्टअप क्या मतलब है? लो वोल्टेज में ये कि हमारे यहाँ कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होता है और पीछे बहुत ज्यादा लोड होता है, तो वहाँ पे अगर आपके वोल्टेज आ रहा है फॉर एग्जाम्पल 125 वोल्टेज आ रहा है, तो वहाँ कुछ ऐसी लोड नहीं उठा पाते। अच्छा, अब ये है कि जितने अभी इस साल जो आ रहे हैं वो लो वोल्टेज पे भी काम करते हैं, मिसाल के तौर पे आपके अगर 110 भी आ रही है वोल्टेज तो वो स्टार्टअप ले लेते हैं, और इन्वर्टर में तो ये एडवांटेज है कि वोल्टेज वैसे भी ये नॉर्मल लेते हैं, मतलब ऐसा लेना चाहिए जो लो वोल्टेज से। एग्जैक्टली, ठीक है। और पीसीबी किट क्या चीज होती है? पीसीबी किट जो होती है जिसपे मेन पे ये होती है? नहीं, वो अंदर लगी होती है, एक इसके अंदर होती है और एक आपके यहाँ पे आउटडोर में बैक पे लगी होती है। अच्छा अच्छा जी, वो पीसी उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि वो सारी आईसीएं लगी होती हैं उसको, जो कंट्रोल कर रही होती हैं बिजली को, उसकी ग्रोथ को, जो आपका चल रहा होता है, जो आपके एफिशिएंसी दे रहा होता है, कूलिंग रिसेप्शन दे रहा होता है, वही मेन काम ही उसी का होता है। अच्छा अच्छा, और एक और चीज मैं देख रहा हूँ, ये एक तो एट जनरल लिखा हुआ है और सारे जो एट में ना ऐसे लगते हैं ए थोड़ा सा यहाँ से मिटा हुआ है। नहीं, मिटा नहीं हुआ, ये नहीं, वो मोनोग्राम है इसका, मोनोग्राम है वो, है ही इस तरह। हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि वो इधर भी मिटा हुआ लग रहा है। हाँ जी बिल्कुल, वो मोनोग्राम है, एग्जैक्टली मोनोग्राम है उसका, बेसिकली मोनो है। हाँ जी, मोनोग्राम ही इस तरह, एग्जैक्टली। TCL के बारे में क्या रिव्यू है? TCL भी ठीक है, ये बेसिकली LEDs के हवाले से इनकी एफिशिएंसी थी, लेकिन अभी दो साल हो गए इन्होंने AC में भी एंट्री कर दी। वैसे ये भी इंटरनेशनल ब्रांड में है, बाहर के ये है चाइना का ब्रांड नंबर वन, बुरा नहीं है, अब चलना शुरू हो गया, लेकिन इस पे भी एक क्लाइंट एकदम से वो माइंड नहीं बनाता। हाँ, वो अभी इतना नहीं है, लेकिन ये भी कंप्रेसर दे रहा है। हाँ, ये भी दे रहा है, डेफिनेटली। हाँ, उनके लिए है ये। ये डॉलेंस का मैंने लिया था। हाँ जी, तो ये इसकी सर्दियों में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही। हाँ, वो हीटिंग रिसेप्शन ऐसे ही है, उसकी रीजन ये है कि इसके जो कंप्रेसर के अंदर वो क्वालिटीज है वो नहीं दी हुई ना उन्होंने। एक्चुअली नाम है ना हमारे यहाँ, प्रॉब्लम ये है कि हम लोग नामों पे भी चल रहे होते हैं कि जी वो डॉलेंस का है, तो कूलिंग में तो नो डाउट इसका है, लेकिन हीटिंग रिसेप्शन आबली बात है। हाँ, नो डाउट, पंखा चल रहा है, ऐसा ही है, ऐसा ही है, वो जो हीटिंग इफेक्ट फर्स्ट ईयर आया है। हाँ, वो एग्जैक्टली ऐसे ही, तो उसको कोई ठीक किया जा सकता है? हाँ, उसको ये है कि थोड़ी सी रिसेप्शन की जा सकती है, कोई इशू नहीं है, वो गैस चार्ज होती है थोड़ी सी। अच्छा, मतलब वो डॉलेंस की सर्विस। हाँ, वो करवाया जा सकता है जी। अभी आप मुझे बताइए सबसे सस्ता कोई 20,000 का एसी है? नो नो, नथिंग, 20,000 रुपए का तो कूलर भी नहीं है अभी। हाँ, एयर कूलर भी इस टाइम 20,000 का नहीं है। कोई किस्तों में मिल जाएगा एसी? किस्तों में मिल जाते हैं, लेकिन वो उसमें 35% 40% ऐड किए जाते हैं ना, जो आपके रिटेल प्राइस उस पे ऐड किए जाते हैं, तो वो प्राइस बहुत हाई हो जाते हैं। मतलब आपसे किस्तों पे चाहिए? हाँ, वो मिल जाते हैं, हम नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे शॉपकीपर हैं जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे होते हैं। अच्छा, इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ी है पिछले साल भी बहुत ज्यादा थी, उससे पिछले साल तक। ये एसी मैंने लिया था 63,000 रुपीस का, राइट। अभी ये एसी कितने का है? अभी ये मिनिमम 89 की रेंज में, 89,000 की, और ये अभी डे बाई डे प्राइस जम्प हो रहे हैं, अभी प्राइस इसके 90 प्लस हो जाएंगे, ये सिर्फ वन वीक की डेट है, वन वीक के बाद प्राइस और जंप हो जाएंगे। सही सही। तो अफ्ताब साहब आप कहाँ होते हैं? मैं आजकल शारजा इलेक्ट्रॉनिक पे मेन हाई डिस्ट्रीब्यूटर है, वहाँ पे हूँ, मरी रोड पे चाहिए जी, 0333-530-5962। ओके ओके।
तो आप मुझे सजेस्ट करें कि कौन सा मैं लूं? मुझे लग रहा है मुझे जनरल ले लेना चाहिए। हाँ, जनरल अगर आप लेते हैं, ये बहुत हाई क्वालिटीज है, कूलिंग में भी और हीटिंग में भी बहुत, और लुकिंग में भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत प्यारी लुकिंग है। और अगर आपने मॉडर्न आपने ड्राइंग रूम बनाया हुआ तो इसमें ये मर्करी में भी है, मिरर में, इसमें टोटल इसका मिरर है, बहुत आउट क्लास यूनिट है और बहुत लगा हुआ भी, आपको ये एफिशिएंटी बहुत प्यारी देता है, लुक में भी और क्वालिटीज में भी अच्छा है। अच्छा, और विद वारंटी है, आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। एक दफ़ा की इन्वेस्टमेंट है लेकिन ये कि हैप्पी रहता है बना सारी लाइफ में। अच्छा ठीक है, तो इसमें कौन सा, इसमें तो T1 कंप्रेसर लगा हुआ है। हाँ, इसका जो है ये वाला, इसका मॉडल है मर्करी वाला, और विद वाईफाई है, 75% में, बिग साइज है, बहुत अच्छा मॉडल है इसका। ये बताएं आफताब साहब कि समटाइम्स किसी एसी का रिमोट खराब हो जाता है। हाँ जी, क्या उसी एसी का रिमोट वापस लगेगा या कोई ऐसा यूनिवर्सल रिमोट भी होता है? चाइनीज आ रहे हैं, यूनिवर्सल भी आ रहे हैं, लेकिन इसके अपने जेन्युइन भी मांगे तो जेन्युइन भी मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा रिमोट होता है जो सब को चल रहा है? हाँ, यूनिवर्सल उससे बोलते हैं, वो चाइना ने कुछ ऐसे मॉडल बनाए हैं। मेरा एक वर्लपूल का एसी है। हाँ जी, नॉन इन्वर्टर, ठीक है, उसका वो खराब हो गया है रिमोट, तो अब मैं उसका साथ का मिल नहीं रहा, क्या करूं? उसका यूनिवर्सल रिमोट होता है, मिल जाता है वो, फिर उसकी वैकेंसीज में लाई जाती है, उसे चेक आउट करते हैं तो वो ऑन हो जाता है। क्वेश्चन ये, कुछ वीडियोस ऐसी मैं देख रहा हूं, उसमें लोगों ने लिखा 20,000 का इन्वर्टर एसी फुल है। ये बहुत सारी हमारी फेक वीडियोस भी चल रही है अभी, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। खाली ये नहीं है, मैंने कल एक कर्नल साहब है उनको डील किया था, वो कह रहे मैंने नेट पे देखा है, और आजकल एक और नई रिसर्च चल रही है कि कैंडी के नाम से हायर वालों की इंट्रोड्यूसिंग चल रही है, बट अवेलेबल नहीं है। अच्छा। कैंडी कहीं नहीं है, 60,000 रुपए का 1 टन का एसी कोई भी नहीं है। अच्छा। जो लोग देखते हैं कि जी आ रहा है ही नहीं, और सबसे बड़ी बात ये, द्राज वाले जो हमारे कहते हैं द्राज में, और जब आप कॉल करते हैं तो वहाँ पे माल अवेलेबल नहीं होता। फेक भी आपकी वीडियो बहुत चल रही है ना, हमारे यहाँ तो ये भी सिस्टम है कि जब वो वीडियो बनना शुरू हुई है तो लोग इतने धड़ बना रहे हैं कि पता ही नहीं चलता कि कौन सा बंदा देखे कौन सा नहीं देखे। हाँ। ये भी प्रॉब्लम चल रही है, और जब ऑर्डर करते हैं तो पता चलता है कि वो बंदे फोन भी नहीं उठा रहे और पैसे लेके भी क्लोज कर देते हैं, ये भी प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, कुछ ऐसे भी ऐसे भी है। हाँ, बिजनेस को अल्लाह माफ करे कि वो करते हैं कि मेरे 2-3 आपके आप ही के व्यूज थे, जो बाहर बैठे हुए, जर्मनी बैठे हुए, इंग्लैंड बैठे, उन्होंने कहा था भाई हम आपको पेमेंट तो करवाएंगे लेकिन आप पहले डिलीवर कर दें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनके साथ 1-2 हाथ हुए हमें। उन्होंने कहा जी हमें यूट्यूब पे ऐसा हुआ है कि हमने चीज़ें मंगवा ली हैं तो उन्होंने फोन ही बंद कर दिए, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे इस मुल्क में। सबसे बड़ी बात यह है कि फेक बहुत है, लोग जो हैं उनके पास टाइम बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। कैनवुड कैसा? कैनवुड ठीक है, इट्स नॉट बैड, अच्छे चल रहे हैं। 1845 तो बहुत महंगा। हाँ, बहुत ज्यादा है इसका, तो जो अभी नॉर्मल जो इसका है अभी वो तकरीबन 90 के रेंज में भी है, जिसे 65% कहते हैं। अब 75% T3 में अगर आप वो लेते हैं तो इट्स नॉट बैड, जनरल इज नॉट बैड। और ग्री के बारे में, ग्री भी मैंने, हाँ ग्री का मैंने लास्ट टाइम भी आपसे कहा था, ग्री हाई ये इस टाइम बहुत बेहतर है। इसका भी जो पेरी सीरियल मैंने आपसे अर्ज किया, वो T3 वाला जो सिस्टम है इसका बहुत आउट क्लास है, उसका आउटडोर भी बड़ा है, इंडोर भी बड़ा है, डबल कंडेंसर के साथ है, वो बुरा मॉडल नहीं। अच्छा, मेरा ये मानना है एसी तो बंदे को लगाना ही चाहिए, लेकिन खासतौर पर वो लोग जो छत पर, मतलब सेकंड फ्लोर पर रहते हैं, उनको चाहिए कि अपने छत के ऊपर भी वाटर प्रूफिंग एंड हीट इंसुलेशन करवाएं। हाँ, वो केमिकल होता है, वो मैं खुद भी सप्लाई करता हूँ, वो बहुत जबरदस्त होता है, फैट केमिकल होता है। Exactly. और वो पूरे छत के ऊपर लेप देते हैं और तो उससे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। Exactly, ऐसा है, आपको पता है सफेद रंग ऐसे ही, क्या कहना चाहिए? हाँ, नो डाउट, वो भी अगर करवा ले तो अच्छा है। हाँ। अगर नहीं अफोर्ड कर सकते तो वैसे ये है कि आजकल एसी का तो यही है कि प्राइस लोग कहते हैं कि कमेटी डाल के चले यार, एक कदा एसी बच्चों के लिए लगा ली जाए, और फिर आपको पता है ये 2-3 महीने तो बहुत ज्यादा टफ होते हैं, तो हर बंदा कहता है चलो 1.5 टन नहीं तो 1 ही टन लगा ले, छोटे कमरे में लगा ले, चले बच्चे जरा रिजर्व हो जाएंगे, तो हो सकता है उसमें। समटाइम्स कोई एसी चलाने से जब शुरू में खासतौर पर चलाते हैं बड़ी गंदी स्मेल आती है कमरे। हाँ, उसके अंदर वो बेसिकली हीटिंग में खासतौर पर होता है। हाँ। वैसे जब आप कूलिंग में पोजीशन करते हैं, कोई भी नई चीज लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो पोजीशन बनाते हुए टाइम लगता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ब्लेंडर लेते हैं। हाँ। तो जब वो आप चलाते हैं तो उसके अंदर ग्रीस लगी होती है, वो जब चलती है तो थोड़ी सी स्मेल देता है, कई खवातीन घबरा जाती हैं कि जी वो जल गई है मोटर। हाँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है फर्स्ट टाइम पे थोड़ा सा वो टाइम लगता है उसको रनिंग में आने में। अच्छा अच्छा, वो आप कह रहे सिर्फ रनिंग में नहीं होता जैसे। हाँ जी, ग्री में PITH लें या FITH, दोनों ही ठीक है, बस वही बात आ जाती है, फर्क ये कि मॉडल्स का फर्क है, शेप का फर्क है। अच्छा, तो वो शेप का फर्क तो कोई फर्क ना होगा। डेफिनेटली। अच्छा।
ठीक है आफ्ताब साहब, आपकी इतनी कीमती राय देने के लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, बहुत शुक्रिया। आपकी वीडियोस कस्टमर्स ने काफी पसंद की है, उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ, बहुत शुक्रिया। वहाँ से देख सकते हैं, आपका इरादा हो तो आप पुराना देख के नया भी ले सकते हैं, अगर लास्ट टाइम भी आपको याद हो तो वो भी आपके लिए ऑफर। वो क्या ऑफर? पुराना एसी अगर आपके पास पड़ा हो, सिंपल जस्ट द कूल, आप वो चाहें देख के तो आप नया एसी भी ले सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी आपसे डिस्कस किया था, पुराना फ्रिज है क्योंकि सीजन है, मेरे पास कोई भी पुराना है, हाँ उसमें ले सकते हैं आप, उसे वो दिखाइएगा, उसको देखने के बाद आपको प्राइस गो एड मिल जाएगी, उसकी कंडीशन बिल्कुल सही है। हाँ, आपके ख्याल में कितने का वो देखें, देखने के साथ देखने ऐसे में, हाँ बगैर देखे हुए कोई ऐसी डील नहीं होती, आप व्हाट्सएप वगैरह करें फिर उसकी डील हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है आपका, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चला